कर्ज के दलदल में सिर तक धस चुका है पाकिस्तान। अब बदहाली दूर करने का ख्वाब देख रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के जरिए इमरान खान की सरकार ने पाकिस्तान के टैक्स चोरों के लिए अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने का लिमिटेड पीरियड ऑफर लॉन्च किया है। 15 मई को लॉन्च हुई इस स्कीम के मुताबिक पाकिस्तान के टैक्स चोर सरकार को एक निश्चित राशि की पेमेंट करके अपने काले धन को सफेद कर सकते हैं। उसके लिए पाकिस्तान में जिन लोगों की बेनामी संपत्ति है वो उस संपत्ति की कीमत का 4% टैक्स भर के उसे लीगल बना सकते हैं। इसके अलावा जिन पाकिस्तानियों के पास विदेश में संपत्तियां और विदेशी बैंकों में काला धन है वो 6% टैक्स चुकाकर उसे व्हाइट कर सकते हैं। पाकिस्तानी सरकार ने टैक्स चोरों के लिए इस ऑफर की डेडलाइन 30 जून तय की है। इसके बाद अगर कोई भी बेनामी संपत्ति और काला धन रखता है तो पकड़े जाने पर उसे जेल भी हो सकती है। पाकिस्तान में इस स्कीम को लॉन्च हुए 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस स्कीम को वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है जैसी उम्मीद इमरान खान ने पाली थी। इसलिए इमरान खान ने देश के नाम संबोधन दिया और ब्लैक मनी रखने वालों को फाइनल वार्निंग दी। मैं आप सबसे आज अपील कर रहा हूं कि हम ये जो असासा डिक्लेयर करने की स्कीम लेके आए हैं इसमें आप सब शिरकत करें, क्योंकि अगर हम टैक्स नहीं देंगे हम अपने मुल्क को ऊपर नहीं उठा सकते। हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा अगर हम एक अजीम कौम बनना चाहते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। 30 जून तक आपके पास वक्त है कि अपने असासे, अपने बेनामी असासे, बेनामी बैंक अकाउंट्स, बाहर पैसा पड़ा हुआ है, इनको डिक्लेयर करें। 30 जून के पास आपको ये मौका नहीं मिलेगा। और ये याद रखें, ये आज जो हमारी गवर्नमेंट है इसके पास वो इन्फॉर्मेशन है कभी पहले किसी गवर्नमेंट के पास नहीं थी। जाहिर है पाकिस्तान का दावा है कि कैश की समस्या से जूझ रही पाकिस्तान ने टैक्स का दायरा बढ़ाने और बेनामी संपत्ति बाहर लाने के लिए टैक्स माफी योजना लॉन्च की है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि जो इमरान खान पाकिस्तान के लोगों को टैक्स एमनेस्टी स्कीम की खूबियां बताते हुए नहीं थक रहे, वो इमरान खान कभी इस स्कीम को सरकार की साजिश बताते नहीं थकते थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान को टैक्स माफी योजना लानी पड़ गई? पाकिस्तानियों की ब्लैक मनी से जुड़े कुछ ताजा आंकड़े दिखाते हैं आपको। खुद इमरान खान की सरकार का आंकड़ा है कि विदेशी बैंकों में 1,52,500 से ज्यादा खातों में पाकिस्तानी नागरिकों का 11 अरब डॉलर यानी तकरीबन 1600 अरब पाकिस्तानी रुपयों से ज्यादा का काला धन जमा है। एक तरफ पाकिस्तान के टैक्स चोर चांदी काट रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद इमरान खान के मुताबिक पाकिस्तान पर आज की तारीख विदेशी कर्ज 30,000 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। स्विस नेशनल बैंक की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौड़ी कौड़ी को मोहताज पाकिस्तान के नागरिकों का स्विस बैंक में काला धन 16% की रफ्तार से बढ़ा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान हर साल 4,000 करोड़ रुपए का जो टैक्स कलेक्शन करता है उससे आधा यानी 2,000 करोड़ सिर्फ कर्ज की राशि जमा करने में चला जाता है। पाकिस्तान की आर्थिक हालात इतनी पतली हो चुकी है कि इमरान खान ने जब से सत्ता संभाली है तभी से वो दुनिया भर के देशों के पास जा जाकर हाथ फैला रहे हैं। पाकिस्तान की हालत पर तरस खाकर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF ने 22वीं बार पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर की भीख देने का फैसला किया, लेकिन इसकी एवज में IMF ने पाकिस्तान के सामने जो शर्तें रखी हैं उन्हें पूरा करने के लिए इमरान खान को अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ रही है। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी गर्त में जा चुकी है, अब कोई आगे पाकिस्तान को कर्ज भी देने को तैयार नहीं होगा, यानी अब दुनिया से पाकिस्तान को जितना कर्ज मिल सकता था मिल चुका है। अब पाकिस्तान को अगर अपनी हालत सुधारनी है तो इसका ठेका पाकिस्तान को खुद उठाना पड़ेगा, और अगर इसमें पाकिस्तान फेल हो गया तो उसे खुद खुदा भी नहीं बचा पाएगा।